दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रुपए की कीमत कितनी होती है तो आप कहेंगे सिंपल एक रुपीज, लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है क्योंकि सिक्के को बनाने में जो कॉस्ट आया होता है वो ही इसकी रियल वैल्यू होती है। और एक रुपए के सिक्के को कुप्रो एंड निकेल मेटल से बनाया जाता है और इसीलिए एक रुपए के सिक्के को बनाने के इन्हें 1.11 रुपए का खर्च आता है, यानी कि इनका लॉस होता है। पर सब सिक्कों में इनका लॉस नहीं होता। 2 रुपए के सिक्कों को बनाने में इनको 1.28 रुपए का ही खर्च आता है और 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 3.69 रुपए का खर्च आता है। और रही बात 10 रुपए के सिक्के बनाने की, तो उसे बनाने में 5.54 रुपए का खर्च आता है। और नोट को बनाने की बात करें तो 100 रुपए की नोट को या 2000 रुपए की सिक्के बनाने में 10 रुपए से कम का ही खर्च आता है, यानी 1 रुपए को छोड़ के किसी भी इंडियन करेंसी में गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? कमेंट्स में बताएं।